आपदा की घड़ी में मानवता की रक्षा करने में जुटे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं के साथ जरूरी सेवाओं को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिजली, जल शक्ति तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ निजी राशन डिपो संचालकों, दुकानदारों इत्यादि का धन्यवाद करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के तमाम वर्गों का आभार प्रकट करती है जो कोरोना वायरस से जनता की रक्षा करने तथा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सोमवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कही। आज देश और दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से COVID-19 वायरस ने पूरी मानवता में दहशत और संकट का वातावरण पैदा किया है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो लोग हैं और इनके अतिरिक्त महामारी के संक्रमण के बावजूद जरूरी सेवाओं को बहाल रखने में काम करने वाले तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग के हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के हैं, प्राइवेट डिपो चलाने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, दवाइयाँ बनाने वाले लोग हैं, जितने भी लोग इस दौर में, इस समय में मानवता को बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी और दूसरा तमाम विपक्षी दल इस महामारी के दौरान सिस्टम में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनके विषय में चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं और उन बिंदुओं के ऊपर सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार की मंशा नहीं अपितु क्षमता के ऊपर अविश्वास है, क्योंकि सरकार इस आपदा से प्रभावशाली तरीके से निपटने में अभी तक पूरी तरह विफल रही है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स गठित की है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार को जमकर घेरा है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।